दुनिया में आपका हकीकी मुकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। दौरे जदीद की सबसे घटिया इजाद आर्जी ताल्लुकात और मतलबी रिश्ते हैं। किसी की ऊंचाई का इतना भी फायदा ना उठाए कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। जबान सिर्फ 3 इंच लंबी होती है, फिर भी ये 6 फुट ऊंचे आदमी को मार सकती है। वक्त ने एक बात सिखा दी है, हर रिश्ता नाता ताल्लुक तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम दूसरों के मियार पर पूरा उतरते हैं। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब हो जाती हैं और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। लोग बीमारी की वजह से गज़ा पहले छोड़ देते हैं, लेकिन अजाब इलाही के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। हमारे अतराफ में खूबसूरत चेहरे तो बहुत मिल जाते हैं, मगर खूबसूरत सोच बहुत कम मयसर है। दोस्ती का रिश्ता ना होता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं। ज़मीर जिंदा हो तो किसी के आंसू पूंजने से भी सुकून मयसर होता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादतें भी सुकून नहीं देती। आपको ताकत की ज़रूरत है सिर्फ उस वक़्त जब आप कुछ नुकसानदा करना चाहते हैं, वरना मोहब्बत हर चीज़ को अंजाम देने के लिए काफ़ी है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतज़ार करें। लोग समझ नहीं पाते कि वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाते हैं जब तक कि वही कुछ उनके साथ ना किया जाए। मैंने ज़िंदगी को अक्सर ज़िंदा लोगों की आंखों में मरते हुए देखा है। आजकल लोग आग माचिस से नहीं अपनी ज़ुबान से लगाते हैं। आप जितने मर्जी अच्छे हों, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं। मसला ये है कि अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो मोहब्बत मरती नहीं है, बल्कि अना को मौका मिल जाता है। मोहब्बत को वर्गलाने का और फिर यही अना दो दिलों के बीच दरार डालने में कामयाब हो जाती है। शादीशुदा औरत जब किसी मर्द को पसंद करने लगती है तो ये 3 जिस्मानी इशारे देती है। उस मर्द के सामने अपने शोहर की बुराइयां करती है, उस मर्द के सामने हमेशा बनठन के आती है, उस मर्द के सामने अपने लिबास और बालों से छेड़छाड़ करने लगती है।